close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी सा ट्यूटोरियल, और आज हम बना रहे हैं की चेन क्रोशिएट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे वुल चाहिए और 3-ply की मैंने वुल यूज़ की है। इसमें की चेन मुझे चाहिए और क्रोशिया हुक है मेरा 2.5 mm। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, 6 chain बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए इस तरह से हम 6 chain बनाएंगे। और फर्स्ट की चेन से बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हम बनाएंगे 1, 2, 3 chain डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये हमारा 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। और अब हम फिर से बनाएंगे 1 chain और बनाएंगे 1, 2। ये देखिए 2.5 डबल क्रोशिया हमने बनाया है। अब इसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, 1 chain बनाएंगे। नेक्स्ट फिर से इसी तरह से बनाएंगे 1.5 और ये 2.5 डबल क्रोशिया और इसको जॉइंट करके 1 chain बनाएंगे। फिर से हम बनाएंगे 1 और ये 2, 2.5 डबल क्रोशिया जॉइंट और 1 chain। और इसी तरह से हम बनाएंगे 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और देखें 1 chain मैंने यहाँ से बनाई है। और अब हम इसको 1, 2, 3rd की चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 chain बनाएंगे और इसको हम यहाँ से कट करेंगे। और देखें फ्रेंड, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और इसको कट कर लिया है और हमने ये 12 बनाए हैं। और अब हम जो है नेक्स्ट कलर जो ऐड करेंगे इसमें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे स्लिप स्टिच, ये देखिए इस तरह से। और हम बनाएंगे 1, 2, 3, 3 chain डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट भी इसी तरह से हम बनाएंगे, ये देखें यहाँ से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट भी हम बनाएंगे इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया।
ये देखिए इस तरह से। तो हमने ये जो दो हमने बनाए हैं टू जॉइंट जॉइंट जॉइंट, तो इनके गैप से यहाँ से हम बनाएंगे अब थ्री डबल क्रोशिया। इस तरह से ये देखें, इस तरह से जॉइंट जो हमने ये बनाए हैं इनके सेंटर से हम बिल्कुल थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये देखें ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और टोटल ये देखें कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अब हम इसको 1 2 थर्ड की चेन से स्लिप स्टिच के साथ क्लोज करेंगे, 1 2 और ये थर्ड, ये देखें इस तरह से। इस तरह से अब स्लिप स्टिच बना के हम नेक्स्ट यहाँ आएंगे, ये देखें इस तरह से गैप में, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थ्री चेन। और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 और ये, ये देखिए इस तरह से थ्री चेन बनाएंगे और 1 2 डबल क्रोशिया मैंने बनाया है। ये जो हमने थ्री चेन बनाई है ये हमारा हो गया 1 और ये टोटल हो गया 1 2 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट गैप से भी इसी तरह से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से, नेक्स्ट भी हम इसी तरह से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर और ये 5। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 5 हमने बनाए हैं। और अब हम यहाँ से 1 जो है वो स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, ये देखें इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 नेक्स्ट 1 2 और ये 3 नेक्स्ट, ये देखिए इस तरह से हम अब 1 2 3 4 5 बनाएंगे। ये देखें स्किप करने के बाद हमने फिर से बनाया 1 2 3 4 5 और ये देखें अब हम लास्ट में जो है ना यहाँ से भी एक स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था 1 2 थर्ड की चेन से हम इसको स्लिप स्टिच के साथ क्लोज करेंगे इस तरह से। ये देखें 1 हमने इधर से स्किप कर दिया और 1 हमने यहाँ से स्किप कर दिया और हमने 5 इधर से बनाए हैं और 5 ही हमने इधर से बनाए हैं। और अब हमने क्या करना है, स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से और इस गैप में आना है
देखिए यहाँ से, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और थ्री चेन बनाएंगे और सेम उसी तरह से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया थ्री। ये देखिए हमने टू डबल क्रोशिया बनाया और ये थ्री चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। और नेक्स्ट गैप से भी इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से। और अब हमने बनाए हैं वन टू थ्री फोर, ये देखिए फोर हमने बनाए हैं। और अब हम फिर से यहाँ से ये इसको स्किप कर देंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से, ये देखिए इसको हमने फिर से स्किप कर दिया है। देखिए इस तरह से पहले हमने फाइव बना के एक स्किप किया और अब हमने फोर बनाया और फिर से हमने जहाँ से हमने पहले स्किप किया था यहाँ से हमने इसको स्किप कर दिया, फिर से हम फोर बनाएंगे और यहाँ आके हम इसको स्किप करेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को क्लोज करेंगे। और ये देखिए हमने फिर से बनाया है वन टू थ्री फोर, ये देखिए फोर हमने बनाया है। और यहाँ से अब इसको हम फिर से स्किप करेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ से हम वन टू थर्ड की चेन से स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को भी क्लोज करेंगे इस तरह से। इसको हमने स्किप कर दिया फिर से, और फिर से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच यहाँ से और एक स्लिप स्टिच यहाँ गैप में आएंगे। और अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे थ्री चेन बना के डबल क्रोशिया, नेक्स्ट नेक्स्ट वन टू थ्री बनाया है। और अब फिर से हम इसको यहाँ से देखें स्किप कर देंगे और इसको स्किप करके यहाँ से हम बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से देखें हमने बनाया है, स्टार्ट में हमने ये फुल बनाया, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से स्किप किया वन टू थ्री फोर को हो गया वन टू थ्री, और अब हम वन टू और वन इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब लास्ट में हम यहाँ से बनाएंगे, ये देखिए तो स्लिप स्टिच बना के हम इसके सेंटर में आते हैं, ये देखिए सेंटर में हम आ गए
और यहाँ से अब हम वन ही बनाएंगे, एक थ्री चेन बना के और टू डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने यहाँ से सेंटर में आए हैं और थ्री चेन बना के टू डबल क्रोशिया बनाया है और अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया, साइड को टर्न करेंगे और देखें यहाँ से इसके सेंटर से ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू और ये थ्री। ये देखें ये थ्री हो गया। अब यहाँ से देखें वन टू और थर्ड की चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, वन चेन बना के इसको कट कर देंगे। अब फिर से हम ग्रीन लेंगे और देखें यहाँ से इसके सेंटर से लेंगे सबसे पहले बनाएंगे यहाँ से, देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच और चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेन काफ़ी है, देखिए सिक्स चेन बनाएंगे और यहाँ से हम इसको फिर से स्लिप स्टिच बना के वन चेन बना के ये देखें इसको कट कर लेंगे।